Assalamu alaikum, dear friends. I hope you will be doing very well and wish you all the best for today. जी आज हम बात करेंगे स्ट्रॉबेरी हेल्थ बेनिफिट यानी स्ट्रॉबेरी बेरीज की फैमिली से बिलोंग करता एक फ्रूट है जो कि क्रीपर है, ज़मीन पर रिंगता है और लेयरिंग की फॉर्म में फैलता जाता है। यानी अगर आप एक स्ट्रॉबेरी को ज़मीन पर लगाएंगे तो ये अपवर्ड ग्रो नहीं करेगा, ये क्रीपर है, ग्रास की तरह स्प्रेड करता जाएगा और आपको एक ज़बरदस्त फ्रूट इनॉर्मस हेल्थ बेनिफिट्स के साथ अल्लाह ताला ने इसको पैदा किया है। ये क्या है, ये पैक है, कंप्लीट पैक ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इसके अंदर मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं बॉडी इम्यूनिटी की, स्किन ग्रोथ की, यंग लुकिंग की, हीलिंग पावर की, न्यू सेल्स जनरेशन की। जी बीइंग टीचर biologist, I have always been teaching my students the sour fruits are rich source of vitamin C. और गावा जो कि लेमन का भी एक बड़ा उस्ताद है, उसमें सबसे ज़्यादा आयरन और विटामिन सी पाया जाता है। तो जो लोग यंग रहना चाहते हैं, हेल्दी दिखना चाहते हैं, इम्यूनिटी डिजीज़ को प्रिवेंट करना चाहते हैं, स्ट्रॉबेरीज को खाना शुरू कर दो। क्या मज़ेदार यूनिक टेस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपके लिए नेमतें उतारी। ये इसके सैपल्स हैं, इन सैपल्स को आप अगर नहीं भी उतार रहे हैं ना, खाते हुए मुंह से आपके हाथ में रह जाएंगी, राइट। और सबसे पहली बात है कि जो फ्रूट्स ज़मीन पर उगते हैं या जो वेजिटेबल्स ज़मीन के ऊपर स्प्रेड करती हैं, तो यू नो दे मे कंटेन लॉट्स ऑफ पेस्ट। तो उनमें पेस्ट हो सकते हैं, टेप फॉर्म के एग्स हो सकते हैं जो हमारी स्किन से पेनिट्रेट करके हमारी बॉडी में एंटर हो सकते हैं। यू नेवर नो, घास पर जब हम नंगे पांव चलते हैं तो जब भी इस तरह हो जाता है, जब हमें डिजीज़ होती है, प्रॉब्लम होती है लाइक गैस्ट्रो या कोई स्टोमिक इश्यूज आते हैं, तो हमें पता चलता है कि जर्म्स कहाँ से हमारी बॉडी में एंटर हुए थे। तो आपने क्या करना है, यू कैन ईट दिस स्ट्रॉबेरी वाइल वॉचिंग टी वी, वाइल रिलैक्सिंग, वाइल डूइंग वर्किंग आउट ऑन योर ट्रेडमिल और एनी थिंग, यू मे हैव दिस स्ट्रॉबेरी। आप इसको फ्रूट इन बिटवीन मील्स भी खा सकते हैं, फास्टिंग में खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। मोस्टली मैंने लोगों को देखा है इसको रॉन्ग तरीके से यूज़ करते हैं, इसके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं क्रीम, उसके ऊपर ड्रिजल करते हैं शुगर और उसको खाते हैं। देखें फ़ायदा क्या, आप एक चीज़ तो खा रहे हैं, स्ट्रॉबेरी को खा रहे हैं, लेकिन इसके साथ अपनी बॉडी में लेकर जा रहे हैं फैट्स और कोलेस्ट्रॉल और शुगर। ये वो वाहिद फ्रूट है जिसमें अल्लाह ताला ने सबसे कम शुगर रखी है। इट कंटेन्स लेस फ्रुक्टोज। तो लेस फ्रुक्टोज की जब हम बात करेंगे तो इट मीन्स अ डायबिटिक पीपल कैन हैव इट। इट्स पल्प, इट्स फाइबर, द स्किन हैज़ फाइबर विच इज़ द गुड फॉर एलिमिनेटिंग कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम योर बॉडी एंड फॉर ओवरकमिंग द इशूज़ लाइक कॉन्स्टिपेशन। और इसके अंदर क्या चीज़ है जी, इसमें अंदर मैगनीज है, विटामिन सी है, नो पोटेशियम और जो सॉरी नो सोडियम और फैट्स नहीं है। सोडियम और फैट्स जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, सोडियम ब्लड प्रेशर को करता है, इनहांस करता है। तो इसके अंदर सॉल्ट्स नहीं है, ठीक है। रिच सोर्स ऑफ फोलिएट है, जिन लोगों में आयरन डेफिशिएंसी है, जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, नर्सिंग मदर्स हैं, वो इसको खा सकती हैं। अच्छा, आफ्टर डिलीवरी मदर्स की जो हैं फेसेस के ऊपर आ जाते हैं स्कार्स ड्यू टू आयरन एंड कैल्शियम डेफिशिएंसी, तो इसके अंदर पाया जाता है जिंक। जिंक होता है इसमें बहुत ज़्यादा और होता है योगर्ट में। तो अगर आप योगर्ट में एक वो डालें, जो जेली क्रिस्टल्स आते हैं उसका एक पाउडर डालें और उसके अंदर ये फ्रूट्स बहुत सारे डाल दें, इसके साथ आप बनाना खाएंगे तो इसकी जो सावरनेस है ना, खट्टापन है, वो ख़त्म हो जाएगा और आपको ये खट्टा नहीं लगेगा। यू कैन हैव इट्स ड्रिंक। ड्रिंक बनाने में क्या करेंगे, इतना बोल तो नहीं लेंगे, 7-8 स्ट्रॉबेरीज ले लें, और अगर ज़्यादा लोगों के लिए बना लें तो बोल भी ले लें। इसके साथ डाल लें मिंट और मिंट के साथ डाल दें जिंजर, मार्वलेस अमेजिंग ड्रिंक बनेगा आपको। जिंजर जो हमारी बॉडी में करता है ना, उसके ऊपर से एक अलग आर्टिकल बनेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके, समझ आ रही है आपको। और ये करता है जो विटामिन सी है ना, ये एंटी एजिंग है, ये आपकी स्किन पर रिंकल्स नहीं आने देगा, आपकी रीजनरेशन करेगा, सेल्स की जो डैमेज सेल्स हो रहे हैं टूट टूट के, वो उससे ठीक अप हो जाएंगे। विटामिन सी जो है ये इम्यूनिटी को करता है, ये आपकी डिजीजेस को प्रिवेंट करता है, ठीक है जी। योगर्ट में डाल लें इसको, मैंने बताया, उसके ऊपर हनी ड्रिजल कर लें थोड़ा सा, या आप ब्राउन शुगर इसके ऊपर ड्रिजल कर लें, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फायदे देने वाला है। हाँ, आप इसको फ्रीज भी करेंगे,
फ्रीज करने का तरीका मैं अलहदा से बना रही हूँ रमजान के उसके अंदर आ रहा है कि सब्जियों और फ्रूट्स को कैसे फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज करने का भी सिंपल तरीका है, आप इसके सेपल्स को निकाल दें, ड्राई कर लें, इसको वॉश बहुत अच्छी तरीके से करना है फ्रेंड, और इसके ऊपर से मॉइस्चर जाना वो रिमूव कर लें, टिश्यू पेपर से इसके मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लें, वरना ये क्रिस्टल बन जाएगा। और आप इसको जिपर बैग में रख के, मेरा फेवरेट ड्रिंक है रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह, मैं डेली समर्स के अंदर बॉइल्ड एग और स्ट्रॉबेरीज जूस लेती हूँ, और आप सोच सकते हैं कि इस एज में भी मेरी स्किन माशाल्लाह कितनी फ्रेश है, अबव 50 बिकॉज ऑफ दीज फ्रूट्स। जो फ्रूट्स के अंदर से आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं ना, वो अलग से आपने जो ले रहे होते हैं विटामिंस की फॉर्म में ले रहे होते हैं, उससे बेहतर है कि आप फ्रूट्स लें, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं आप वो खाइए, ठीक है, बजट को मैनेज कर लें, और ये जो है ना इस तरह कर सकते हैं आप, हेल्थ हार्ट के लिए बेहतरीन। जब कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, फैट्स नहीं होंगी, तो इट विल कीप योर हार्ट हैप्पी, राइट। और डायबिटिक वाले लोग इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, मैंगो उनको मना होते हैं, चीज़ें मना होती हैं, बनाना ज़्यादा नहीं खा सकते, तो आई रिकमेंड दिस स्ट्रॉबेरी फॉर दोज हु आर हार्ट पेशेंट्स, ठीक है जी। तो ये थे आज के हमारे स्ट्रॉबेरी के ऊपर एक मैंने आर्टिकल बनाया, इसको खाना शुरू कर दें, ज़्यादा महंगी नहीं होती, अच्छी वाली लें जो ज़्यादा गली सड़ी होती है ना। दूसरा ये, अगर आप इसको फ्रिज में रख रहे हैं तो आप इसको वॉश नहीं करेंगे, वॉश जब करेंगे जब आपने इसको खाना होगा, क्योंकि वॉश करने से क्या होता है कि पानी इसके सैपल्स के जरिए इसमें अंदर एंटर हो जाता है, और इसकी स्किन इंतहाई डेलिकेट है, वो जल्दी से रोटिंग करती है। आई होप यू विल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर इम्यूनिटी, योर स्किन, योर ब्लड प्रेशर, योर कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो स्टार्ट ईटिंग स्ट्रॉबेरीज फ्रॉम टुडे। बाय बाय।